नमस्कार, बहुत स्वागत है 7 बजे की खबरों में आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगे मौजूद। लेकिन सबसे पहले गाजा 25 पर एक नजर। विध्वंसक धमाके से दहला गाजा का अल अली बैप्टिस्ट अस्पताल। मरीजों, बच्चों और महिलाओं समेत 800 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया। अल अहली अस्पताल के निदेशक का बड़ा बयान। IDF ने हमें बताया, हमने आपको कल 2 बमों से दी थी चेतावनी, तो आपने उस समय तक खाली क्यों नहीं किया था अस्पताल। हमास ने अल अहली अस्पताल में धमाके को बताया नरसंहार। कहा अरब और इस्लामी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत करे हस्तक्षेप। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल के धमाके के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अबू माजेन ने की 3 दिन के शोक की घोषणा। आधे झुकाए रहेंगे झंडे। अल अली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के बाद मची भगदड़। घायलों को तुरंत दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गाजा में नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ उठी आवाज। अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलम की मस्जिदों से ऐलान, शर्म है अगर हम अब भी शांत बैठे। अस्पताल में बमबारी के विरोध में जेनिन की मस्जिदों से ऐलान। नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के खिलाफ हेब्रोन में निकाला गया मार्च। सुरक्षाकर्मियों ने मार्च को रोका। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलम के अबू दिस शहर में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अस्पताल पर बमबारी से गुस्से में फिलिस्तीनी। जेनिन, नेबलस, हेब्रोन समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीनियों ने जताया हमले का विरोध। इसराइल को अमेरिका का समर्थन का जमकर विरोध। बेरूत में सड़कों पर उतर आए सैकड़ों लोग। अमेरिकी दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने जुटे प्रदर्शनकारी। दूतावास के सामने आगजनी कर जताया अस्पताल पर हमले का विरोध। फिलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव पार्टी के नेता मुस्तफा बरगोटी का बड़ा बयान। कहा अरब सरकार के लिए अपने देश में इजरायली राजदूत रखना शर्मनाक है। अस्पताल पर धमाके के बाद बदले की कार्रवाई की आशंका। इसराइल ने अपने नागरिकों से तुरंत तुर्की और मोरक्को छोड़ने की अपील की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अस्पताल में धमाके की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने जवाबदेह ठहराने की कही बात। हिजबुल्ला ने अस्पताल में हुए नरसंहार की निंदा की। आज दोपहर 2 बजे बुलाई एकजुटता सभा, शामिल होने का किया आह्वान। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में बेरूत की अपील। हिजबुल्ला से जंग में शामिल होने का किया आह्वान। तेल अवीव के हवाई अड्डे पर बजा हवाई हमले का सायरन। काहिरा जाने के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे जर्मन चांसलर। छोड़ना पड़ा विमान। हमास की ओर से गोलाबारी लगातार की जा रही है। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर गाजा से इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसके बाद इजरायली शहरों में अलर्ट के सायरन बजने लगे। तेल अवीव पर फिलिस्तीन ने रॉकेट से हमला किया। तेल अवीव और इसराइल के कई शहरों में रॉकेट हमले के बजे सायरन। इसराइल ने 3 रॉकेटों को मार गिराया। तेल अवीव में गोलीबारी का सामने आया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहुंचने से 16 घंटे पहले तेल अवीव पर रॉकेट से हमला। हमास के लगातार हो रहे हमलों के बीच इसराइल पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति अब जॉर्डन नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम रद्द। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद अल कसाम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर की बमबारी। अक्सलान पर कब्जे का किया दावा। गाजा पर हमले को लेकर इसराइल को इराकी असैब अहल अल हक ब्रिगेड ने दी बर्बाद करने की चेतावनी। कहा हम तैयार है, केवल दर्शक नहीं है। गाजा पट्टी में पानी का बड़ा संकट। केवल एक पाइप में ही आया पानी। 1 लाख की आबादी वाले खान यूनिस में मात्र 3 घंटे ही हुई पानी की आपूर्ति।